तो अब जब सब आ गए हैं तो मैं शुरू करूं। देखिए, आज के इस शांति सम्मेलन की खास वजह है। हाँ, बाप दादा का घर छोड़ के यहाँ पर रहने के लिए आ गया है, कोई खास वजह होगी। पता नहीं बाबा, और कितना कालिक पोतेगा ये। अरे भैया, जॉय जब कह रहा है तो एक बार सुन ही लो ना। माणिकता क्या कहते थे, धीरज रखने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ये माणिकता कौन है? मौली, माणिकता मेरे मेंटोर हैं। हाँ, लेकिन जॉय की किसी भी बात में या काम में मैं और मेरी बेटी नहीं रहना चाहते। मेरे पति गुजर गए, अब तो कम से कम हमें बख्श दीजिए। माँ, माँ एक बार सुन के देखते हैं किस बात का शांति सम्मेलन है। हाँ, शांति के बेटे को ले आया हूँ। तू चुप कर, मैंने कब कहा मैं शांति का बेटा हूँ? अरे तेरा नाम क्या मुन्ना? मेरा नाम नरेंद्र है। तुझे शांति के बेटे को लाने को किसने कहा था? अरे तुमने ही तो कहा था, बार बार आवाज कट रही थी, लेकिन मैंने दो बार साफ साफ सुना था, शांति शांति। भैया जी, आप फोन पे मेरा नाम ले रहे थे। दत्त, तू एक नंबर का इडियट है। मैंने कहा था कि शांति सम्मेलन है, यानी कि मीटिंग रखी है, लेकिन तू शांति के बेटे को उठा लाया। तुम्हें देखे कोई कह नहीं सकता कि तुम्हारा इतना बड़ा लड़का है। हाय राम, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? शादी करने से नहीं, वो करने से बच्चा होता है। इनफ इज इनफ, मैं जा रही हूँ। माँ तुम चलो तो मेरे साथ। आंटी बैठिए, चाय पी के जाइएगा। शांति, इनके लिए चाय लेके आओ। चाय पत्ती नहीं है। अच्छा ठीक है, रहने दो। किंकू, तुम तो सुनो। देखो, तुम्हारे बाबा की मौत की खबर सुन के मैंने एक निहायत ही कमाल का फैसला लिया है, तुम्हारा साथ देने का। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आनंदम आनंदम, फिलहाल हम जिसे झांसा कहते हैं, पहले उसे ही माया कहा जाता था। आप जो जिंदा है, ये एक धोखा है। ये जो घर बार बसा रखा है, ये भी धोखा है। ये जो है ना पति पत्नी, बेटी बेटा, ये सब कुछ धोखा है। लेकिन ये शरीर, इस शरीर का दर्द, वेदना, जलन, यातना, ये सब तो धोखा नहीं है ना, ये सब सच है। ये सब आप अपने आप ही महसूस कर सकते हैं। तभी तो हिमालय के गुप्त गुफाओं में से दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढकर बस आप लोगों के लिए ही बनाया है ये जलांजलि मरहम।